अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ अपने चैनल डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 पर। तो देखें आज हम क्या बना। तो ये हमारे पास कलेजी है चिकन की, हम इसको आज पकाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मेरे पास मैंने दो मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज ली है, हाफ कप ऑयल है, एक टमाटर है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, फिर ये दही है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया मैंने, और ये है मेरे पास नमक, गरम मसाला, नमक 1 टीस्पून लिया है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और सूखी मेथी 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून से ज़्यादा, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। हल्दी लग गई इस पर। और ये मेरे पास है मिर्चें, हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया जिसे मैं सबसे लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो आइए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, बर्नर मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप ऑयल, ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। कलेजी हमारे पास 750 ग्राम्स थी, यानी 3 पाव थी, मैं शायद बताना भूल गई। तो अब हम इसको प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गई है, थोड़ी देर आप इसको ब्राउन करके, गोल्डन ब्राउन करके इसमें मसाले डालूंगी। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे। इसको मैं 5 मिनट तक अभी भूनूंगी अदरक लहसुन को, इसके बाद बाकी मसाले डालूंगी। तो व्यूअर्स, मैंने 10 मिनट तक इसको भून लिया है, इसमें अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया है। तो अब मैं इसमें पाउडर मसाले डालूंगी। ये जो इसमें सूखी मेथी, हल्दी, नमक, गरम मसाला, दोनों मिर्चें कुटी हुई और पिसी हुई, और ये पिसा हुआ धनिया। अब हम इसमें जरा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे। जरा सा पानी और डालेंगे, इसको साथ साथ साफ भी करते जाएंगे। अब इस मसाले को मैं थोड़ी देर भून के टमाटर और दही वगैरह डालने के बाद 10 मिनट छोड़ दूंगी, ताकि टमाटर, प्याज और दही सब ये जो है गल जाए अच्छी तरह। फिर हम इसके बाद इसमें अगला स्टेप करेंगे।
अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी जो मैंने बारीक कटे हुए काट के रखे थे। ये दही जिसको मैंने पहले से फेंट के रखा था, अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हर सारे मसाला जो है प्याज व्याज टमाटर सब अच्छी तरह गल जाए और मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी ताकि ये गल जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, इसको साइडों से साफ कर लेंगे और इसको हम कवर अप कर देंगे। तो ये कवर हो गया है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ 10 मिनट के लिए छोड़। तो व्यूअर्स, ये हमारा मसाला जो है भुन गया, अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे। आज हमारे यहाँ बन रही है चिकन कलेजी जो कि 750 ग्राम्स थी, बाकी मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए थे। ये देखें, मैं इसमें कलेजी डाल रही हूँ। कलेजी को मैंने धो के साफ करके छन्नी में डाल के रखा था। अब हम कलेजी में पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में थोड़ी सी गलेगी और कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाते, 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कलेजी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है, फिर उसमें वो मज़ा नहीं रहता, तो कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाते। कलेजी हमारी जो है ये अपने ही पानी में पक रही है। देखें, मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला, तेज आंच में बस इसको भून के थोड़ी देर बाद हम बर्नर ऑफ कर देंगे। तो देखते हैं, बस हमारी कलेजी जो है ये तैयार हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं गार्निश कर दूँगी। अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो व्यूअर्स, देखें ये चिकन ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको मैंने 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया। तो देखें, ये चिकन कलेजी तैयार हो गई है। इसको मैंने डिश आउट करके इसको गार्निश कर दिया है। तो अब आप ट्राई करें, बताएं मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डिलिशियस कुकिंग विद समीना 25 पर। तो अब हम देखें अगली वीडियो में क्या बनाते हैं। तो अभी आज यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।